आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर लबाबदार खीर, जो कि बहुत ही आसानी से घर पे हम बना सकते हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल, स्वागत है आपका महालक्ष्मी रियल किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर लबाबदार की रेसिपी। उसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम पनीर, जिसको मैंने ऐसे ट्रायंगल करके पीस में कट कर लिया है, और रफली चॉप टोमेटो लिया है, रफली चॉप ऑनियन, मेलन सीड, काजू। तो आइए अभी शुरू करते हैं। इधर मैंने कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच ऑयल गरम किया है, और इसमें डालूंगी एक टीस्पून जितना जीरा, एक छोटी सी दालचीनी स्टिक, दो इलायची, 4 से 5 लौंग और 7 से 8 काली मिर्च, और 2 डालूंगी तेज़पत्ते, और अभी डाल दूंगी उसमें रफली चॉप प्याज, दो बड़े साइज के रफली चॉप प्याज। और अभी डाल दूंगी 3 मीडियम साइज के टमाटर। एक इंच के जितना अदरक, एक टेबल स्पून के जितना मेलन सी, 8 से 10 काजू, 7 से 8 कलियां लहसुन की, और इसी में डाल दूंगी 2 ग्रीन चिली, इसको हम टुकड़े में तोड़ करके डाल देंगे। इनको हम भून लेंगे गलने तक। और अभी डाल देंगे इसमें 1/2 कप के जितना पानी। और इसको गलने तक पका लेंगे, ढक्कन लगा देंगे इस पर। अभी टमाटर और प्याज अच्छे से गल चुके हैं, तो इसी स्टेज पे अभी हम गैस को करेंगे बंद और इसको ठंडा कर लेंगे, और उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। अभी उसी कढ़ाई में डालेंगे 1 टीस्पून जितना ऑयल, और 1 बड़ा चम्मच डालेंगे बटर, आपको धीमा ही रखेंगे, और उसमें डालेंगे 1 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जितना गरम मसाला, 1/2 टीस्पून जितना रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून के जितना धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून के जितना कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और इसको मिक्स कर देंगे। आग एकदम धीमा ही रखना है, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। और अभी डाल देंगे जो मसाला हमने ग्राइंड किया था वो, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मसाला अभी भुन चुका है, इसी स्टेज पे हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम। और डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। और अभी इसमें ग्रेट कर लेंगे
चीज। पनीर है, मैंने 50 ग्राम के जितना पनीर लिया है, इसको मैं ग्रेट कर रही हूँ। इसको भी मिक्स कर लेंगे। इस रेसिपी में हम पनीर को ग्रेट करके डालते ही हैं, वो डालना ज़रूरी है। और अभी डालते हैं पानी। मिक्स कर देंगे पानी को अच्छे से। और अभी डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। और अभी हम डालेंगे पनीर के टुकड़ों को। पनीर को आप किसी भी आकार में कट कर सकते हैं, मैंने ट्रायंगल कट किया है, इससे थोड़ा दिखने में सुंदर दिखता है। उबाल आने देंगे एक, थोड़ा सा डाल देंगे कटा हुआ धनिया, 2 मिनट ढक्कन लगा देते हैं। 2 मिनट हो गए हैं और अभी हमारा पनीर लबाबदार तैयार हो चुका है एकदम से। तो इसी स्टेज पे गैस को करते हैं बंद और सर्व करते हैं। तो तैयार है हमारे पनीर लबाबदार की रेसिपी, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होते हैं। इन्हें आप रोटी, चपाती, कुलचा, नान या राइस के साथ भी खा सकते हैं। इसको हम गार्निश करेंगे थोड़े से ग्रेटेड पनीर के साथ में और थोड़ा सा फ्रेश क्रीम। हरा कटा हुआ धनिया। एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार होते हैं। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।